औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोजी सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में मेहंदी लगाना, मेहंदी देखना, इसकी क्या ताबीर है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में मेहंदी देखना लगाना बाहर से मुसर्रत, खुशी मिलने, शादमानी और खुशखबरी मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर कुंवारी लड़की का मेहंदी लगाना इसके लिए खुशखबरी और खुशी की अलामत है और जल्द शादी होने की तरफ भी इशारा है। ख्वाब के अंदर मेहंदी हाथ और पाँव को लगी देखना ये अपनी ख्वाहिशात जाहिर करने, मालो दौलत मिलने और जेब व जीनत अख्तियार करने की दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि इसके हाथ और पाँव पर मेहंदी लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि ख्वाब देखने वाला खुद को खूबसूरत और आरास्ता बनाएगा, लेकिन दीन से दूरी की अलामत है, दीन में कमज़ोरी है। ख्वाब के अंदर मेहंदी खरीदने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला मकरो फरेब में गिरफ्तार होने, ज़िल्लत और ख्वारी पाने, बेदीन होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर पाँव पर मेहंदी लगाना या देखना या किसी से लगवाना दुख दर्द और मुसीबत से छुटकारा पाने की अलामत और निशानी है, गैब से दौलत मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर मेहंदी अनाम में मिलना या मर्द के लिए नेक और साला बीवी मिलने की दलील है और औरत के लिए मालो दौलत और बादशाह से मुसरत है, खुशी है। ख्वाब के अंदर किसी को मेहंदी लगी देखना फला पाने और बेहतरी की दलील है। ख्वाब के अंदर दुल्हे को मेहंदी लगी देखना खुशी मिलने और रंजो गम दूर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर दुल्हन को मेहंदी लगी देखना ये मालो दौलत हासिल होने, राहत और सुकून पाने की अलामत है। मोजिज़ सामीनो कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। जज़ाकल्लाह।